सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट ने दी है बट लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। मेरी फोटो आ रही है इसमें, दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल बाइक के सामने आते हुए। अब डाला है अपने टॉप गियर। ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 10:30 हुए हैं और अभी हम निकल रहे हैं काम के लिए निकल रहे हैं। साथ साथ हमने अपनी जीटी भी निकाली है। निकलने से पहले यार जीटी को जरा थोड़ा सा तेल पिला देते हैं क्योंकि इसका फ्यूल इंडिकेशन जो है ना बहुत जल्दी आ जाता है। अभी अभी मैंने 2 दिन पहले ही मैंने इसको ऑलमोस्ट 400-450 का फ्यूलिंग कराई थी। इसके एवरेज चेक करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता यार कितना तेल ये गटक रही है, बस पिए जा रही है। क्या कह रहे हैं अंकल? बढ़िया वाली गाड़ी है। हाँ अच्छी लग रही है, चलो अभी अगली बार और अच्छी दिखा देंगे। हाँ जी, एक्सपी एक्सपी डलाया तो था उस दिन, इधर नहीं है क्या? अब उधर 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 ही डलवाऊँ? वीडियो बन रही है क्या इसमें? है हाँ वीडियो बनती है इसमें। हाँ देखना, मेरी फोटो आ रही है, आ रही है इसमें, दिख रहा है तुम्हें? शाबाश बेटा। हाँ इसमें वीडियो बनती है, उधर से भी दिखता है इधर से भी दिखता है। हाँ आप आ जाओगे वीडियो पे? अब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। हाँ काम चल गया, कहीं भी मतलब जहाँ भी गए। हाँ जहाँ मैं घूमने जाता हूँ। भैया क्या हाल है तुम्हारे, क्या देख रहे हो चुपके चुपके से? हाँ हाँ जी सारी चीज़ें आएंगी, आप जो बोल रहे हो ना कल दिखा देंगे आपको हम। हाँ देखना चाहोगे? हाँ दिखाएंगे आपको। भैया ने नॉर्मल से एक्सपी पे ले आए मेरे को हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देख लिया अंकल जी ने, वैसे उस दिन डाला था मुझे फर्क लगा। आप हमेशा ये डाला? हाँ मैं फिर रेगुलर में ये डलवाऊंगा फिर। किसमें भैया? ये वाटर प्रूफ है। हाँ सो राइट गाइस, फ्यूल अप अपना हो चुका है, अपनी जीटी को आज हमने फ्यूल अप करा दिया और यहाँ पर हमने डाला है XP95 भैया के कहने पर। और अब हम इसमें कॉन्टीन्यूसली XP ही डालेंगे क्योंकि मुझे भी काफ़ी फ़र्क लगा और अभी तक एक भी पॉइंट जो है इसका उठा नहीं है। उठ जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में टाइम लगता है इसके फ्यूल गेज को उठने में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, आज एक नई लोकेशन पर जा रहे हैं हम अपने शहर की, तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे। और धूप भी निकल चुकी है बहुत बढ़िया। तो भैया लोगों के रिएक्शन बहुत ही लाजवाब थे, अंकल काफ़ी सरप्राइजिंगली देख रहे थे कि उनकी फ़ोटो आ रही है। काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है भाई अब तो, जो अपनी जीटी के साथ हुआ है। लेकिन यार एक चीज़ है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं जितनी केयरफुल चला रहा था ना उस समय पर, तो अब वो एक जो डर था ना कहीं से वो डर तो निकल गया है। बट हाँ फिर भी लोगों का तो कुछ पता ही नहीं रहता, जैसे उस दिन आगे घुस गए, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो अपने आप को केयरफुल करने की ज़रूरत है। और देखो अभी भी इसके फ्यूल इंडिकेशन में जो है ना, जो फ्यूल गेज है वो अभी उठे ही नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने 450 का इसमें फ्यूल अप कराया है और XP कराया है। भैया बोल रहे हैं XP कराओ XP कराओ XP कराओ। और यहाँ ब्लैक स्कॉर्पियो अपने सामने, तो भाई हमने करा लिया इसमें XP95 ऑक्टेन बूस्टर रहता है, ये काफ़ी रिफाइंड ऑयल होता है, इससे परफॉर्मेंस चेक करेंगे जीटी की। लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने डलवाया था तो मुझे काफ़ी एनहेंसमेंट लगी थी। अब आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पर। सो लाइट गाइज, अभी हम आ चुके हैं मेन रोड छोड़कर कुछ इस तरीके की रोड पर, और आज हम जहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा एरिया जो है वो गांव वाले एरिया में जा रहे हैं अपने शहर के। तो ये अभी अपना काशीपुरी चल रहा है, लेकिन मेन रोड जो है हमारे राइट साइड में रह गई है, हमने वो स्किप करके अभी हम इस वाली रोड पर आ चुके हैं। और अभी हमें जाना है फिरोजपुर नाम की जगह पर। ये लोकेशन मेरे लिए भी नई है और यहाँ की एक खास बात बताता हूँ भाई, यहाँ पर जो है ना जितने भी कॉर्बेट के टाइगर्स हैं भाई, वो यहाँ तक घूमते हुए आ जाते हैं। कई बार यहाँ पर स्पॉट किए हैं काशीपुर में, जो वन विभाग की टीम है भाई इस जगह से पकड़ पकड़ के लेके जाती है, पूरी पूरी फैमिली आ जाती है टाइगर की। टाइगर तो नहीं है, बाघ जिसको बोलते हैं वो है यहाँ पर, बाघ देखा जाता है कॉर्बेट में। तो कॉर्बेट की रेंज इतनी बड़ी है भाई, देखो यहाँ तक आती है कॉर्बेट की रेंज। और रोड तो भैया काफी छोटी हो गई है, ये जीटी को 60 से ऊपर ले जाते हुए भी डर लगता है। लेकिन कल जो है मैंने हाईवे पे टेस्ट करी थी बाइक, क्योंकि मैं इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा था कि भाई कितनी स्टेबल चल रही है। तो मैंने 120 तो मार कर दी थी कल, बस 60-70 पर कहीं कहीं वॉवल शो करता है। और ये ब्रांड न्यू रोड बन रही है, क्या बात है भाई, अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस रोड, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए, बिल्कुल क्लीन रोड है और ऊंची भी है। ओह 120
लोकेशन तो यार बहुत जबरदस्त लग रही है। इधर सरदारों के फार्म पड़ते हैं और एक प्यारा सा डॉग है जो हमें देख रहा है लपकने के लिए। अभी हमें पता नहीं हम कितने आगे आ चुके हैं, चेक करना पड़ेगा, पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। पूरी मस्त फार्मिंग वाली लोकेशन पर आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं भी, देख रहा हूँ क्या जबरदस्त घर बने हुए हैं इधर। ई रिक्शा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। हाय साहब, क्या खूबसूरत जगह पर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जीटी के साथ में राइड कर रहे हैं। देख सकते हो दूर दूर तक आपको गेहूं की फसल ही दिखाई देगी। और ये कुछ लोग हैं यहाँ पर पानी वानी देने के लिए आए हैं। और मेरे राइट लेफ्ट साइड पर भी देख सकते हो और राइट साइड पर भी देख सकते हो, क्या जबरदस्त नज़ारे हैं। ये भैया उत्तराखंड की ब्यूटी। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल, क्या जबरदस्त जगह बनाते हैं भैया गवर्नमेंट स्कूल। बूम। सो राइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरीके की लोकेशन पर और आप पीछे देख सकते हो ये गवर्नमेंट का आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ पर अभी हम लोग आए, कुछ काम था आज, कुछ प्रोग्राम है जो यहाँ पर करना है। तो पीछे दो आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं और लोकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सी लोकेशन है, अभी आप लोगों ने ब्लॉग में भी चेकआउट किया होगा। अभी हमने आज अपनी ड्यूटी को भी भगा के देखा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ अभी हम थोड़ी देर का काम है, ऑलमोस्ट एक से दो घंटे का काम है, वो फिनिश करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। लोकेशन आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ये लोकेशन है जहाँ पर अभी हम आए हुए। इधर फार्मिंग हो रही है और इधर भी फार्मिंग है, इधर भी फार्मिंग है। और जीटी अपनी उधर खड़ी है, दिखाते हैं अभी आपको। खड़ी है भाई अपनी जीटी, और ये रही जिसको अभी हम चला के लेके आए हैं जल्दी से। इसको अभी हमें सही भी करवाना है, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने चेकआउट किया होगा। तो ऐसी कुछ लग रही है इस समय पर, बिल्कुल क्लीन करके लेके आए हैं इसको। सो कुछ ऐसा होता है भाई आंगनवाड़ी केंद्र अंदर से, देख सकते हो कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए। और ये सारा जो प्रोग्राम है, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट ने दी है बट लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। देख लो कितनी ब्यूटीफुल सी आर्ट्स बनी हुई हैं, मुझे तो देखकर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग भी कॉमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ये डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो अभी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर कुछ लोग आएंगे उनको ज़रा कुछ प्रोग्राम समझाना है जिसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं, सब लोग कलेक्ट होते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश करके फिर यहाँ से निकलेंगे। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये सब चीज़ें शेयर करें। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे टॉयज रखे हुए हैं, ये देखो लुकिंग ब्यूटीफुल यार, अंदर से ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसे होगा। चेक कर सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। अभी यहाँ का काम हो चुका है और यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जीटी को थोड़ा सा वार्म कर रहे हैं, काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिस समय हम आए थे उस समय धूप थी। और ये छोटे छोटे मोटे बच्चे बिल्कुल बाइक के सामने आते हुए घूर रहा है, पकड़ लो, देखा कैसे घूर रहा था। देखो ये क्या जबरदस्त स्प्रिंकलर किया जा रहा है, बहुत बढ़िया टेक्निक है भाई ये सिंचाई करने की। पाइपलाइन लगा रखी है और उसमें से शावर निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन। इससे पानी की वेस्टेज कम होती है और फसल अच्छी होती है, पानी की वेस्टेज कम होती है। देख रहे हो खाद लग रहा है, वहाँ पर एक गेहूं की फसल है और यहाँ पर किसान जो है खाद लगा रहे हैं। देखो क्या खूबसूरत लग रहा है व्यू, एक नंबर यार, कमेंट करना इस व्यू के लिए। फिलहाल यहाँ से अपनी जीटी को लेके चलते हैं सीधा, दोनों तरफ खेत हैं और बीच में रोड, ऑसम। और मौसम भी इतना बढ़िया है, डाला है अपने टॉप गियर। इसका बेनिफिट लेना था भाई मुझे इस रोड का। दीदी तो निकल लेगी अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने शहर के मेन फ्लाईओवर पर और पूरा ट्रैफिक हमने क्रॉस कर लिया है। अभी बीच में बारिश की बूंदें भी आने लगी थी, मौसम बेमान हो रहा था, कुछ बूंदें सी आई और फिर चली गई। मौसम एकदम चेंज हो रहा है यार, पता नहीं चल रहा किस करवट जा रहा है, कभी ठंड कभी धूप कभी फॉग कभी फिर बारिश। चेकिंग भाई, और आज अपने पास है सारी चीज़ें, कोई डर नहीं है। हेलमेट भी है, आरसी भी है अपनी बाइक की, आरसी भी आ चुकी है, इंश्योरेंस ऑलरेडी है हमारे पास में, डीआर हमारे पास हमेशा रहता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। लेकिन यहाँ पर लपक लेते हैं पुलिस वाले। अंकल जी हेलमेट लगा लो। सो
तो इस ब्लॉग को यार यहीं पर एंड करेंगे। बच्चे समोसे मोसे खा रहे हैं ठेले पे खड़े हुए स्कूल ऑफ होने के बाद में। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे एक और नए धमाकेदार ब्लॉग में। सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। बाय।